तो ये जो है अमेजन का एक प्राणी है, ये जो है अभी अभी जो है गांव में आया है, इसलिए इस तरह से बावला रहा है। देसी बच्चा का देसी टोपी, इसको बाहर फेंको। तो गाइस पहले आपको जो जरूरत पड़ने वाला है एक ओल्ड ट्यूबलाइट, ये जो बहुत ही पुराना ट्यूबलाइट है आप लोग देख ही सकते हैं। इसको खोलने के टाइम इस तरफ तो बहुत ही अच्छे तरीके से खुल गया, लेकिन दूसरे टाइप का ढक्कन खोलने के में बहुत सी दिक्कत हुआ, इसलिए हम जो ग्लास जो है फट गया, इसलिए हमें यहाँ पर टेपिंग कर दिया है। इसका अंदर का जितना माल मसाला आई मीन पाउडर है सभी को हम लोग को जो निकालना पड़ेगा अंदर से। इसको निकालने का जो गाइस ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसको सिंपल एक साइड को हम जो पहले तो टेप से पूरा रैप कर देंगे, आई मीन जो एक साइड से बंद कर देंगे, मेरा कहने का मतलब, और दूसरे साइड से हम जो ऐसे रेत डाल देंगे, आई मीन बालू को या रेत को कोई भी। तो भाई साहब बालू डालने का स्पीड देख रहे हो गाइस, ये सब जो है एडिटिंग का कमाल है, समझ में आया। गर्लफ्रेंड जब धोखा दे तभी ऐसा होता है, आई मीन पागल प्रेमी बोल सकते हैं। तो गाइस इसका आगे का जो धोने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा, इसमें जो एक होल हमारा बचा हुआ था एक होल को हम बंद किए थे, उस दूसरे वाले होल से हमको जो सिंपली पानी डाल देना है, अंदर में हमारा तो बालू है ही। फिर इसको जो हमको कुछ इस प्रकार से हम लोग को जो हिलाना है, इस प्रकार से हमको हिला, इसका हिला हिला का अंदर का जितना माल मसाला है पाउडर है सभी एक साथ में मिल जाएगा बालू के साथ। फिर हम जो बालू को जो इस प्रकार से निकाल देंगे, हमारा पाउडर भी निकल जाएगा और हमारा जो बालू है वो भी निकल जाएगा। फिर इसको धो लेंगे, कुछ इस तरह का इसका जो है लुक है। इसके इस तरफ से टेप मार के हम जो बंद किए थे इसके मुँह को, इसको खोल लेंगे। तो गाइस धो धा के जब वो पूरा चमका दिया इसको, फिर स्टूडियो हम जो इसको जो है लेके आ चुके हैं गाइस। फिर इसके बाद हम लोग को एक ढक्कन का जरूरत पड़ने वाला है, बोतल का जो ढक्कन होता है इसको हम जो यहाँ पे जो हम जो इसको जो फिट करने वाले है गाइस, तो इसको हम जो ग्लूगन से भी फिट कर सकते, तो लेकिन ग्लूगन से ही हम जो फिट करने वाले हैं इसको। सिंपली चारों साइड में हम जो ग्लू को लगा लेंगे, हमारा जो सस्ता कैमरा है इसलिए हम लोग फोकस ही नहीं कर पाएगा इस। फिर इसको जो सिंपली हम जो इसको हम चिपका लेंगे इस प्रकार से कुछ। तो गाइस चिपकाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको जो है लुक देखने को मिलेगा। इसको जो है थोड़ा सा मजबूत करने के लिए हम जो यहाँ पे टेपिंग कर लेंगे गाइस। टेप करने से क्या होगा, हमारा जो मजबूती जो होती बहुत ही ज़्यादा जो बढ़ जाएगा, लेकिन मजबूती ही बढ़ेगा लेकिन गिरने से टूट जाएगा, क्योंकि हमारा जो ट्यूबलाइट गाइस ग्लास का है, इसलिए सावधान से इसको जो रखना पड़ेगा, थोड़ा सा भी गिरा तो टूट जाएगा। तो गाइस फिर हम लोग को जरूरत पड़ने वाला एक पाइप का टुकड़ा छोटा सा, इसको हम जो यहाँ पे फिट करने वाले ढक्कन में, यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से सिंपली हम जो एक होल कर लें, ज़्यादा मोटा भी होल नहीं करना। फिर हम लोग को जो इस पाइप को जो यहाँ पे लगा लेना, हम लोग को फिर यहाँ पे जो है ग्लू को चारों साइड से लगा लेना है अच्छे तरीके से, पाइप हमारा जो निकले ना, इसलिए ग्लू जो है सूखने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। गाइस हमारा जो ग्लू है सूख चुका है, सिंपल सा जो देखने में कुछ इस प्रकार से। फिर हम लोग एक प्लास्टिक का जार का जरूरत पड़ेगा, पहले तो इसका ढक्कन को हम जो निकाल लेंगे, इसके ढक्कन में थोड़ा सा खुराफाती आइडिया करना पड़ेगा। फिर एक छोटा सा ढक्कन लेंगे, मिडिल में रख के इसको जो मार्क कर लेंगे चारों साइड से। हमारा जो है मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, इसमें आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम होल को कर लेंगे। तो गाइस हमारा जो है फाइनल होल होके रेडी हो चुका है, इसको अब हम जो ट्यूबलाइट में फिट कर लेंगे। सिंपली हम जो है यहाँ पे अंदर में थोड़ा सा ट्यूबलाइट को डाल के सिंपली मार्क करने के बाद वहाँ पे हम जो टेपिंग कर लेंगे गाइस, क्योंकि हमारा जो होल जो ज़्यादा मोटा हो गया, इसलिए हम जो होल को मेकअप करने के लिए ट्यूबलाइट के साथ अच्छी तरीके से, इसलिए हम यहाँ पे टेपिंग कर लेंगे। तो गाइस हमारा जो टेपिंग हो चुका है, फिर से हम जो ढक्कन को पहले लगाए थे उसी तरफ से हम जो इसको डाल के हम जो यहाँ पे टेपिंग यहाँ पे किया था वहाँ पे जो इजीली जो लग जाएगा, अब इधर उधर हिले डुलेगा नहीं। हम जो ये जार में पहले तो लगा कर देख लेते हैं गाइस ट्यूबलाइट को, हमारा जो नीचे जो टच तो नहीं हो रहा आई मीन जार में तो नहीं टच हो रहा, इसको जो सिंपली इसको पहले तो खोल के हम रखेंगे। इसमें ऑल ज़्यादा हम लोग को जो माल मसाला इसके अंदर लगाना पड़ेगा, फिर तो हम लोग किस तरह का एक एयर पंप का जरूरत पड़ने वाला है, इसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। इसको जो हमने जो पाइप लगाया था गाइस, उस पाइप में हम जो सिंपली इसका नोजल को लगा लेंगे। फिर से हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है इस तरह का 12 वोल्ट का जो कोब एलईडी लाइट होता है, ये जो है पिंक कलर का, इसको जो हम जो डबल साइड टेप के मदद से इसको ढक्कन के निचले हिस्से में हमको जो इसको जो है चिपका लेंगे गाइस। तो चिपकाने के बाद हम जो एलईडी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव और हमारा जो वाटर पम्प एयर पम्प का जो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ हम जो दोनों को वायर के थ्रू कनेक्शन कर लेंगे।
तो फाइनली गाइस हमारा जो वाटर पंप है और एलईडी है दोनों का वायर का कनेक्शन हो चुका है। सिंपली इसको जो प्लास्टिक जो हमारा जार लिया था उस जार के अंदर में इसको सिंपली हम जो फिट कर लेंगे। फिर हम जो चारों साइड में ग्लू को इसको चारों साइड में ग्लू को लगा लेंगे थोड़ा इसका जो मजबूती को बढ़ने के लिए, आई मीन इधर उधर हिले डुलने इसलिए। फिर 12 वोल्ट जो फीमेल जैक आपको जो लेना है इसको हम जो यहाँ पे फिट करने हैं। फिट करने से पहले यहाँ पे जो हम लोग को जो पहले तो होल करना पड़ेगा, सोल्डरिंग आयरन से इजीली जो यहाँ पे जो होल हो जाएगा। होल करने के बाद हम लोग को जो वायर को उस होल में होल से हम लोग को जो निकाल लेना है दोनों वायर को, जिससे हम जो इनपुट देने वाले दोनों वायर से जो 12 वोल्ट से हमारा जो एलईडी भी चलता है और हमारा जो पंप है वो भी चलता है। प्लस माइनस को देख के जैक के साथ हम जो कनेक्शन कर लेंगे हमारा जो फीमेल जैक है। तो फीमेल जैक को सोल्डरिंग करने के बाद प्लस माइनस को देखने के बाद होल से सिंपली इसको जो फिट कर लेंगे, थोड़ा प्रेस करने में जो फिट हो जाता है। फाइनली गाइस हमारा जो प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है गाइस। अब इसको जो हम टेस्ट करने वाले हैं फिर आपको जो पता चलेगा इसका वर्किंग किस तरह से है गाइस। देखने में बहुत ही ज़्यादा ये जो अमेजिंग देखने वाला है। इसको आप जो डेकोरेशन के लिए भी आप जो इसको जो यूज करते हैं, पहले तो आपको जो टेस्ट करके चलिए दिखा दें। तो गाइस इसका लुक आप जो है देख ही सकते हैं। इसको जो हम जो डेकोरेशन के लिए ट्री होता है उसको बगल में रख दिया। फिर इसमें जो हम पानी को डाल लेंगे ट्यूबलाइट के अंदर में, पानी डालने के बाद इसका आप जो टेस्टिंग का बारी है इसमें पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई देने में ये जो ऑन होगा फाइनली गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं इसका लुक इस तरह। तो गाइस ये वाला प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जो से लाइक करना, चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। ऐसे ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इसको आप जो डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं, बहुत ही यूनिक सा इसका जो लुक है देखने में, बहुत ही यूनिक।